हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। बात अब पानीपत की कर लेते हैं, जहां पर एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे प्रदेश के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष इसलिए परेशान है क्योंकि ये सरकार 5 सालों तक चलने वाली है। वहीं ओम प्रकाश चौटाला के बयान पर बोलते हुए कहा कि वो तो सिर्फ इतना ही कहेंगे कि उन्हें एक पार्टी संगठन से निकाला गया है, अगर उनसे कुछ खामियां होती तो प्रदेश की जनता उन्हें चुनकर नहीं भेजती और ना ही उन्हें 10 विधायक भी देती। इस मौके पर दुष्यंत चौटाला ने कहा कि उन्होंने जनता से वादा किया था कि एचटेट के सेंटर 50 किलोमीटर के दायरे में होंगे, जिसे पूरा भी कर दिया गया है। इसके अलावा पिछले 2 महीने में सरकार की तरफ से किए गए कामों को भी उन्होंने गिनवाया। मेरे को एक पार्टी संगठन से निकाला गया था, उसके बाद एक एक साथी ने जेजेपी में मिलकर काम किया और उसके बाद आज हमारे 10 विधायक जीते हैं। चौटाला साहब कहते वही चीज किसी व्यक्ति के बारी बारी कहने से सत्य हो तो मैं तो इतना ही बोलूंगा कि वो बोलते रहे, क्या पता परमात्मा आने वाले समय में बनाई दे। अगर मेरे में कमी थी तो हरियाणा की जनता ने इतना साथ देकर 18 लाख वोट देकर आज 10 विधायक कैसे जिताए, और उनकी पार्टी जो 20 विधायकों पर थी वो एक पे आके कैसे सिमटी। तो मेरे से बड़े हैं, मैं चाहूंगा आप और सवाल उनके प्रति ना पूछे। आज विपक्ष में बैठे लोगों को कहीं ना कहीं एक घबराहट है कि ऐसी स्टेबल गवर्नमेंट प्रदेश में कैसे चले। हमने तो पहले दिन जब ये निर्णय लिया था कि 5 साल तक स्टेबिलिटी प्रदेश में लेकर आएंगे और उसके बाद एक ऐसे मोड पर काम करना शुरू किया जिसके अंदर चाहे एचटेट के पेपर को 50 किलोमीटर के दायरे में कंप्लीट कराने की बात, चाहे गांव ग्रामीण क्षेत्र से ठेकों को समाप्त करने के लिए ग्राम पंचायतों से रेजोल्यूशन आए, और बड़ी खुशी होती है आपसे साझा करते हुए कि जो कानून पहले था जिसके अंदर अगर कोई गांव में एक भी लीगल ड्रॉप अल्कोहल की बांटता था तो उसको आगे ठेका दे दिया जाता, तो उस कानून को समाप्त कर पंचायती राज एक्ट में संशोधन लाकर ग्राम सभाओं को यह अधिकार दिया